नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड काउंसलिंग के बारे में, नोटिस जारी हो गया है उसके बारे में देखेंगे। कब से कब तक ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में। नोटिस जो है आज लखनऊ दिनांक 20 सितंबर 2022 महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, जिन्होंने इस बार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था, उसके द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित बीएड 2022 की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा गया है कार्य योजना के दिनांक 13/9/2022 द्वारा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया के निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम जो है वो पुनः उपलब्ध कराया गया है। प्रथम चरण में जो है 30 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक, और 17 प्रारंभ जो होगा वो 10 अक्टूबर यहाँ पे दिया हुआ है। पोल काउंसलिंग जो है वो 7 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 दिया है, हालांकि ये 10 अक्टूबर ना होकर 10 नवंबर होना चाहिए था। अब देखिए क्या होता है। पोल काउंसलिंग जो है 7 नवंबर से और 15 नवंबर तक चलेगा, और डायरेक्ट काउंसलिंग जो है 21 नवंबर से 25 नवंबर के बीच आप करा सकते हैं। तो जो भी हैं, अगर सीटें खाली रहेंगी वो डायरेक्ट काउंसलिंग करा सकते हैं, और अपने नज़दीक में जो भी कॉलेज चॉइस करना चाहते हैं वहाँ पे करा सकते हैं। जिनकी अच्छी रैंक है उनके प्रथम चरण में काउंसलिंग होगा 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो इसमें जो भी रैंक वाइज है उसके हिसाब से ऑनलाइन काउंसलिंग करा जाएगा, 1 से लेकर 1 लाख तक की पहले शिफ्ट में करा सकते हैं। इस तरीके से पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सभी आप एकत्र कर लें, क्योंकि ये जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लगेंगे उस समय, और हेल्थ सर्टिफिकेट ये सभी चीज़ें जो है कॉलेजों के द्वारा मांगे जाते हैं। तो वो सभी आपका यहाँ पे पूरा काउंसलिंग में दिया रहेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, प्रीवियस ईयर क्या क्या लगा था उसके अकॉर्डिंग आप पूरा नया जो है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट हुआ या डिग्री हुआ, ये सभी अगर है सर्टिफिकेट हुआ लास्ट ईयर का, वो सभी आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी जो है आपके बीएड में लगेंगे काउंसलिंग में। तो ये आज का वीडियो बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसका वीडियो एक आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करा दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।